Hi everyone. Today I am with my son Viraj Rawat. आज उसकी एक इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ because he has said to me that he wanted to take my interview which he wanted to publish. So he is here. Hi Viraj. Hi. क्या सोच कर ये चैनल शुरू किया था? So आप देख सकते हैं कि उसने डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू कर दिया मेरे से. सो विराज, मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट किया था कि ताकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं सीखता हूँ, वो लोगों के साथ शेयर करूँ और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सो दैट वॉज माई थाट यू नो स्टार्टिंग दिस चैनल. चेन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? हालांकि चेन ऑफ लाइफ के बारे में मैं अलग से एक वीडियो निकालने वाला था, बट चूँकि आपने मेरे को पूछा है कि चेन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, चेन ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि जो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसको दूसरे के साथ शेयर करते रहें ताकि जो उसका इम्पैक्ट है लोगों तक पहुँचे. इसीलिए चेन ऑफ लाइफ को मैं बार बार अपनी वीडियो के एंड पे कहता हूँ. किन लोगों ने आपको ज़्यादा सपोर्ट दिया? सपोर्ट की अगर आप बात करोगे विराज, जब मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं तो मैंने अपने काफ़ी कलीग से पूछा कि क्या करना चाहिए. सो दे सपोर्टेड मी. मेरे बच्चे आदित्य, विराज, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया एंड मेरी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट मी बाई यू नो शेयरिंग द टॉपिक्स. मेरे साथ वीडियो बना रहे, अभी मेरा बड़ा बेटा इसको रिकॉर्ड कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव सपोर्टेड मी एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल माई फैमिली, ऑल माई फ्रेंड्स एंड सबसे बड़ी थैंक्स टू द पीपल, दोज हु आर एक्चुअली लिसनिंग, शेयरिंग इट विद द पीपल एंड ज्वाइनिंग चेन ऑफ लाइफ. आप अपने दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं अपने दोस्तों के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप अच्छी चीज़ सीखते हैं, राइट, उसको लोगों के साथ शेयर करें. कब जाने कैसे किसको कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए और उसको वो बेनिफिट उसकी लाइफ में आ जाए और उसकी लाइफ बदल जाए. सो कीप शेयरिंग पॉजिटिव थिंग्स एंड लर्निंग वट एवर यू लर्न. थैंक यू. दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन. जब आपने अपना पहला वीडियो बनाया था तो आप नर्वस थे और आपका रिएक्शन कैसा था? ऑफकोर्स जब मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था वो नर्वस था कि लोग कैसे उसको देखें, कैसे उसको लेंगे, क्या सोचेंगे. और जो मेरा पहला वीडियो था, आई बिलीव 2 से 3 साल पहले मैंने बनाया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों ने उसको बहुत अच्छा देखा और उसके व्यूज़ मोर देन 1.2K से भी ऊपर के गए थे. सो यस, नर्वस तो होते हैं विराज, लेकिन ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें नर्वस को पीछे छोड़ना है और फुल स्पीड से आगे बढ़ना है. थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस. थैंक यू विराज एंड आई होप मैंने आपके सवालों के आपकी अपेक्षा के अनुसार जवाब दिए होंगे. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं ये हमने पहले से सुने नहीं, समझे नहीं और अपने से उसने निकाले हैं एंड द आंसर विच आई एम गिविंग इट ऑल कमिंग फ्रॉम माई हार्ट. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू अस बोथ ऑफ अस एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ.